वेलकम टू जॉन अकेडमी, दिस इज शाहुल जॉन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओबी एग्जाम के लिए बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, अपनी आंसर शीट को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, जिसमें से कि ये न्यूज़ आपके सामने पढ़ता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षाएं, यानी कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम, यानी ओबी के एग्जाम जो आप दे रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स तो जाने लग गए हैं SOL DU के ऑफिस में कि उनकी जो ओबी की आंसर शीट है उसको अपलोड करने में उनको बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई छात्रों ने 2 प्रश्न पत्र प्राप्त होने और उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने में कठिनाई होने की शिकायत की। किसी किसी को तो 2 प्रश्न पत्र मिल गए हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर मिल गए किसी किसी को, और किसी किसी को कठिनाई आ रही है अपनी आंसर शीट को अपलोड करने में। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शुरू और 3 पालियों में आयोजित की जा रही है, यानी कि 3 बार की जा रही है, किसी की 7:30, किसी की 2:30, किसी की उससे पहले, 3 बार में कराई जा रही है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एक छात्र जुबेर खान ने डेट शीट के अनुसार, आज मेरी हिंदी की परीक्षा थी, जब मैंने अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोला तो मैंने पाया कि 2 प्रश्न पत्र अपलोड किए गए थे। अब किसी जो जो कोई स्टूडेंट है जुबेर खान, उसका जो हिंदी का एग्जाम था, जब उसने अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड करा तो उसने देखा कि उसके तो 2 क्वेश्चन पेपर निकल गए हैं, एक हिंदी का और दूसरा जिसका पेपर 13 अगस्त के लिए निर्धारित है। मैंने SOL को मेल भेजा, यानी कि उन्होंने भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक प्रोफेसर से सलाह ली जिन्होंने मुझे आज के लिए निर्धारित पेपर देने की सलाह दी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है सामने, किसी के दो दो क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं, किसी किसी के जो बहुत से स्टूडेंट्स जाने लग गए हैं SOL के ऑफिस में। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके सामने भी आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता सकूं।